सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 11 समवायो ही दुर्जय है इसका अभ्यास पहले मैं करवा रही थी, अब कंप्लीट करने वाली हूँ। ध्यान से समझना सभी बच्चे। प्रश्न 4 देखिए बच्चों। प्रश्नानाम उत्तराणी एक वाक्येन लिखत। यहाँ पर बेटा कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनके प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको एक वाक्य में, मतलब जब हम करते हैं एक पदेन तो आपको छोटे छोटे शब्दों में उत्तर देना होता है, लेकिन यहाँ पर एक वाक्य, मतलब पूरे सेंटेंस में आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों, चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट ताम किम अपृच्छत। चटकाया विलापम, चिड़िया का विलाप, विलाप मतलब रोना, चिड़िया का रोना श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुनकर, काष्ठकूट कठफोड़वा ताम किम अपृच्छत, उसे क्या पूछा, कठफोड़वे ने चिड़िया से क्या पूछा, चिड़िया का रोना सुनकर कठफोड़वे ने उससे क्या पूछा। उत्तर देखो, चटकायाः विलापम श्रुत्वा, चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूटे ताम अपृच्छत, कठफोड़वे ने उससे, ताम मतलब उससे पूछा, किससे, चिड़िया से पूछा, भद्रे, भद्रे मतलब अरे भली चिड़िया, किमर्थम विलपसी, किमर्थम मतलब किस लिए या क्यों, विलपसी मतलब विलाप कर रही हो, तुम क्यों विलाप कर रही हो अर्थात तुम क्यों रो रही हो। समझ आ गया बच्चों पहला प्रश्न। अगला देखो, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चटकायाः, चिड़िया ने, चटकायाः काष्ठकूटस्य च, चिड़िया का और कठफोड़वे का वार्ता मतलब वार्तालाप या बातचीत जो भी उसने बताई थी, किसको, मक्खी को, जब कठफोड़वे को चिड़िया ने सारी बात बता दी तो चिड़िया और कठफोड़वे किसके पास गए थे, मक्खी के पास, ठीक है। तो चिड़िया और कठफोड़वे की बातें सुनकर मक्षिका मतलब मक्खी किम अवदत, क्या बोली, उन दोनों की ने जब सारी कहानी बता दी मक्खी को तो मक्खी ने क्या कहा, ये पूछा है आपसे। तो इसमें लिखा है, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। ये यहाँ तक तो पूरा आपको क्वेश्चन में से यूं का यूं लिखना है बच्चों, फिर किम को हटाकर अवदत लिखना है, ठीक है। फिर अब चिड़िया ने क्या कहा वो बात आएगी, ममापि मित्रम मंडुकः मेघनादः अस्ति शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामहे। अर्थ समझो, ममापि मित्रम, मेरा भी एक मित्र है मंडूक, मंडूक मतलब मेंढक, मेघनाद, ये मेघनाद उसका नाम है मेंढक का, मेरा भी एक मित्र मेघनाद मेंढक अस्ति है, शीघ्रम मतलब जल्दी ही, तमुपेत्य उसके पास जाकर, यथा उचितम जो उचित होगा करिष्यामहे वही काम हम करेंगे। ये मक्खी ने सलाह दी, सुझाव दिया कि मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है, शीघ्र ही या जल्दी ही तमुपेत्य उसके पास जाकर यथोचितम करिष्यामहे जो उचित होगा वो करेंगे। अगला प्रश्न देखो, मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद ने, मेघनाद कौन था, मेंढक, ठीक है, उसने मक्षिकाम किम अवदत्त, मक्खी को क्या करने के लिए कहा था, मक्खी से क्या कही थी, उसे कहा था कि तुम जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो, ये बोला था उसको। मेघनाद मक्षिकाम अवदत्त, मेघनाद ने मक्खी से कहा, मेघनाद मक्षिकाम अवदत्त, अवदत्त का मतलब कहा या बोला, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेघनाद मक्खी से बोला, यथा अहम कथयामि, जैसा जैसा मैं कहता हूँ, यथा अहम मतलब जैसा मैं, कथयामि मतलब कहता हूँ, तथा कुरुताम, तथा मतलब वैसा ही, कुरुताम मतलब तुम करो। समझ आ गया बच्चों। अगला प्रश्न देखो, चटकाः काष्ठकूटं किम अवदत्। चिड़िया ने, चटका मतलब चिड़िया ने काष्ठकूटम, काष्ठकूटम का मतलब कठफोड़वे को, किम अवदत्त क्या कहा,
उत्तर देखो, चटकाहा काष्ठकूटम एवदत्। चिड़िया कठफोड़वे से बोली, दुष्टेन एकेन, दुष्ट एक दुष्ट, दुष्टेन एकेन का मतलब एक दुष्ट, गजेन मतलब हाथी के द्वारा या हाथी ने, मम संतति मेरी संतान, मम संतति मतलब मेरी संतान, नाशिता मतलब नष्ट कर दी है, तस्य गजस्य उस हाथी के, वदनैव मतलब वद से या मृत्यु से, मम दुखम मेरा दुख, अपसरेत मतलब कम होगा या दूर होगा। ये बात उसने कठफोड़वे को बताई थी या बोली थी। क्या बोली? दुष्टेन एकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी ने मम संतति नाशिता, मेरी संतान को नष्ट कर दिया है, तस्य गजस्य वदनैव उस हाथी के वध से ही, मम दुखम अपसरेत मेरा दुख दूर होगा या कम होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो प्रश्न चार है वो कंप्लीट हो गया है। प्रश्न पाँच मैं नहीं करवा रही हूँ आपको। अब प्रश्न छः देखो, उदाहरण अनुसारम स्म शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। उदाहरण अनुसार यहाँ पर ये दिए हैं, इनके अनुसार स्म शब्द को जोड़कर आपको भूतकाल का शब्द बनाना है। अब देखो, सबसे पहले है बच्चों एवसत। अगर आपने धातु ध्यान से की है, छठी में भी की है, अब सातवीं में भी मैंने शुरू में करवाई थी आपको बच्चों, एवसत जब धातु में, जब हम धातु रूप करते हैं तो ए कौन से वाले काल में आता है? हमारा लंग लकार में, और लंग लकार का मैंने बताया था भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये वाला शब्द ना ऑलरेडी भूतकाल का है, लेकिन इसका दूसरा रूप हम स्म लगा के बनाएंगे। इसने बोला है कि भूतकाल तो बनाना है आपको, लेकिन उसमें स्म का प्रयोग करना है। तो बच्चों जब जो यहाँ मूल धातु है, मूल धातु क्या है हमारी, देखो बस, ठीक है, जब वस धातु का लट लगार लिखकर उसके साथ हम स्मा लगा देते हैं तो भी वो लंग लकार का बन जाता है, मतलब भूतकाल का बन जाता है। जैसे एवसत वस्ती स्मा। अब ये वस्ती शब्द जो है ये कौन से लकार का है बच्चों? लट लकार का, ठीक है। और लट लकार का प्रयोग मैंने बताया था कि वर्तमान काल के लिए होता है। तो यहाँ पर है ये वस्ती जो शब्द है ये वर्तमान काल का शब्द है, लेकिन जब इसके साथ हम स्म लिख देंगे तो ये किसका बन जाएगा? भूतकाल का। इसके बराबर एवसत का मतलब जो होगा वही वस्ती स्म का मतलब होगा, मीनिंग होगा। समझ आया बच्चों? एवसत का मतलब रहता था, रहता था मतलब भूतकाल का, लेकिन वस्ती का, ओनली वस्ती, अगर हम स्म को ना लगाएं, ओनली वस्ती लिखें तो इसका मतलब है रहता है, लेकिन जब इस रहता है वर्तमान काल के साथ स्मा जोड़ देंगे हम तो इसका भी अर्थ हो जाएगा रहता था, सेम जैसे एवसत का है रहता था। तो यदि वर्तमान काल के शब्द के साथ हम स्मा का को लगाते हैं तो वो भूतकाल का बन जाता है। जैसे ए पठत किसके बराबर है? पठती स्मा। इसका भी वही मीनिंग है और इस पूरे का भी वही मीनिंग है, लेकिन अगर स्मय हटा दिया जाए तो नहीं रहेगा, तब यह वर्तमान काल का कहलाएगा, लेकिन इसके साथ जब वर्तमान काल के शब्द के साथ अगर स्मय लगा है तो वो भूतकाल का माना जाएगा। अत्रोटियत त्रोटियति स्म, अपतत पतति स्म, दोनों का बराबर अर्थ है, इसका भी वही अर्थ है, इसका भी वही अर्थ है, ठीक है। अपतत मतलब गिरा, गिरता है, और अगर स्मय लगाएंगे तो गिरा या गिरता था। अपृच्छत, अपृच्छत मतलब पूछा, भूतकाल में पूछा, और पृच्छती का मतलब पूछता है, लेकिन जब समय साथ में जाएगा तो भूतकाल का ही बन जाएगा, इसका भी अर्थ होगा पूछा। अनयत ले गया था या ले गया, और नयति मतलब ले जाता है, लेकिन समय लगाएंगे तो ले गया। अवदत, वद शब्द मतलब बोलना, अवदत मतलब बोला या कहा, और वदती मतलब बोलता है प्रेजेंट का, लेकिन जब स्मय लगेगा इसके साथ तो भी इसका मतलब भूतकाल में जाएगा, कहता था बोलता था या कहा, कुछ भी हो सकता है।
ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना बेटा। तो ये है आपका प्रश्न 6। इसमें क्या बताया है कि यदि वर्तमान काल के शब्द के साथ क्रिया शब्द, मेन चीज़ है क्रिया शब्द, वर्तमान काल का जो क्रिया शब्द है उसके साथ बच्चों अगर हम स्म का प्रयोग करते हैं तो वो वर्तमान काल वाला भूतकाल का बन जाता है, ठीक है। अभी एक प्रश्न बचा हुआ है, अभी करवा रही हूँ मैं। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न 7, कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ कोष्ठक में आपको तीन तीन शब्द मिलेंगे, ठीक है। इनमें से दो गलत हैं, एक सही है। वो सही वाला आपको खालिस्थान में भरना है। तो पहला देखो, खालिस्थान बालिका मधुरम गायति। बालिका मतलब लड़की, मधुर गाती है। अब एकम, एका, एके, तीनों का ही अर्थ है एक, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब हमें यहाँ कौन सा भरना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारा कर्ता है बालिका वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, उसी के अनुसार एक शब्द लगेगा। अब बालिका जो है बच्चों अपना स्त्रीलिंग है, तो यहाँ स्त्रीलिंग है एका। कौन सा है बच्चों? एका। तो यहाँ हम लिखेंगे एका। एका मतलब एक लड़की, मधुर गाती है, मीठा गाती है। अगला है कृष कहा, कृष कर्माणी कुरवंती। कृष कहा मतलब किसान, कृषि कर्माणी मतलब खेती का काम, कुरवंती मतलब करते हैं। तो यहाँ कृषक जो हैं वो, यहाँ पर चार, तीन शब्द दिए हैं, तीनों का ही अर्थ है चार। अब यहाँ हमें देखना है कि कौन सा आएगा। अब ये जो हमारा कर्ता है कृषक शब्द, ये पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग का बहुवचन। तो हमारा यहाँ कौन सा बनेगा बेटा? चतवार है, चार, ठीक है, चतवार है कृष कहा, चार किसान। समझ में आया बच्चों? चतवार है कृष कहा का मतलब चार किसान, कृषि कर्माणी कुर्वंती, खेती का काम करते हैं। अगला है खालिस्थान पत्राणी सुंदराणी संति। पत्राणी मतलब पत्ते, सुंदर हैं, ते ता तानी, तीनों का ही अर्थ है वे। ते का मतलब वे, ताह का मतलब भी वे, और तानी का मतलब भी वे, ठीक है। अब यहाँ कौन सा लिखा जाएगा बच्चों? तो उसके लिए पत्राणी देखना पड़ेगा आपको कौन सा लिंग है। पत्राणी जो है हमारा नपुंसक लिंग है, तो इसमें ये जो ते है ये पुल्लिंग है, ता है ये स्त्रीलिंग है, और तानी है नपुंसक लिंग। तो यहाँ आएगा तानी, ठीक है, तानी पत्राणी सुंदराणी संति, ये पत्ते या वे पत्ते सुंदर हैं। अगला है धेनवे है दुग्धम, जो गायें हैं, धेनवे मतलब गायें दूध देती हैं, देती हैं। अब ये जो ददंती शब्द है ये बहुवचन है, क्योंकि धेनवे हैं ज़्यादा, ठीक है बच्चों। तो हमें बहुवचन ही यहाँ क्रिया में लेना है, ठीक है। अगला वयम संस्कृतम, अपठम अपठन अपठाम। अब बच्चों आपको ये देखना पड़ेगा जो वयम शब्द है वो आपका किस स्थान पर पड़ता है, मतलब कहने का ये है कि कौन से तो वचन में है, ठीक है, और कौन से आपका पुरुष है। तो अहम आवाम वयम, ये जो लाइन होती है ये आपकी उत्तम होती है बच्चों, उत्तम पुरुष में। अहम आवाम वयम, ठीक है, उत्तम पुरुष का ये बहुवचन है, तो यहाँ से भी हमें उत्तम पुरुष का बहुवचन लेना है। अगर आपने पठ धातु याद की है और उसका लंग लकार याद किया है तो आप आसानी से बता देंगे कि इसमें से उत्तम पुरुष बहुवचन कौन सा है, अपठाम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर वयम संस्कृतम अपठाम, इसका मतलब है कि हमने संस्कृत पढ़ी। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका 7वां प्रश्न भी कम्प्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये जो आपका 11वां पाठ है ये बिल्कुल कंप्लीट है। सभी बच्चे इसे अच्छे से समझेंगे वीडियो को, और नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।